नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सना नजीर। आज हम बनाना सीखेंगे मज़ेदार टिक्का बिरयानी। इसके लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं वो ये हैं: चावल 1 किलो, चिकन 1 किलो, आलू 1/2 किलो, 4 टुकड़े कटे हुए, प्याज 1 पाव बारीक स्लाइस कटी हुई, टमाटर 1/2 किलो बारीक स्लाइस कटे हुए, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, हरा धनिया 1 गड्डी, कटी हुई पुदीना 1 गड्डी पत्तियां अलग हुई हुई, शान टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून, शान बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून, दही 1 पाव, कुकिंग ऑयल 1 कप, लीमू का रस 4 टेबलस्पून, कोयला 1 टुकड़ा, नमक चावलों के लिए 4 टेबलस्पून, जर्दे का रंग 1/2 टीस्पून, पक्का हुआ ठंडा दूध 1/2 कप, केवड़ा एसेंस 2 ड्रॉप्स। तरकीब: सबसे पहले चिकन को अच्छी तरह धो लें, इसके बाद एक पॉट में दही डालें, फिर इसमें शान टिक्का मसाला, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और इसका पेस्ट तैयार करें, फिर इसमें धुली हुई चिकन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और इसे कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इस दौरान आप एक पतीली में पानी को गर्म करें और इसमें 4 टेबलस्पून नमक डालकर चावलों को उबाल लें। जब चावल उबल जाएं तो आप चावलों को पानी से अलग करके इनके ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव करें ताकि ये चावल आपस में ना चिपकें, और फिर इन्हें एक साइड पर रख दें। अब आपने जिस पतीली में चावल उबाले हैं उसी पतीली में तेल डालें और प्याज ब्राउन कर लें। जब तक प्याज ब्राउन हो रही है, इस दौरान आप दूध में केवड़ा एसेंस और जर्दे का रंग घोल कर इसे साइड पर रख दें। प्याज ब्राउन होने के बाद आप प्याज को एक प्लेट में निकाल लें और तेल पतीली में ही रहने दें, फिर इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर शामिल करें और अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक भून लें। जब टमाटर अच्छी तरह गल जाएं तो इसमें 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, कटे हुए आलू और 1/2 कप पानी डालकर अच्छे से भून लें। जब आलू अच्छी तरह भून जाएं तो इसमें मजीद 2 कप पानी ऐड करें और आलुओं को 10 से 15 मिनट तक धीमी आँच पर गलने के लिए रख दें। जब आलू गल जाएं तो इन्हें अलग डिश में निकाल लें। अब आप इसी पतीली में मैरिनेट की हुई चिकन को पकने के लिए 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर रख दें। ख्याल रहे कि इसमें पानी ना जाए क्योंकि चिकन अपना पानी खुद छोड़ती है। 10 मिनट बाद आप चेक करें कि चिकन गली है या नहीं। अगर चिकन नहीं गली है और मसाला लगने की खुशबू आ रही हो तो आप मजीद 1/2 कप पानी इसमें ऐड करके चिकन को मजीद 5 मिनट तक पकने दें। चिकन गलने के बाद आप इसमें कोयले का धुआं लगाएं और फिर इसे भी एक अलग पॉट में निकाल लें और पतीली को स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह साफ कर लें। अब आप पतीली में तह लगाने की तैयारी करें। सबसे पहले 1/2 उबले हुए चावल पतीली में चारों तरफ डाल दें, इसके बाद इसमें आलू और चिकन भी डाल दें और हरा मसाला और ब्राउन की हुई प्याज भी इसके ऊपर छिड़क दें, फिर इसके ऊपर बाकी बचे हुए चावल भी डाल दें। इस स्टेज पर आप खाने का नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो जर्दे के रंग वाले दूध में ही हसबे जायका नमक घोल लें और इस दूध को चावलों के ऊपर अच्छे से छिड़क दें और फिर 15 मिनट तक हल्की आंच पर दम पर रख दें। मजेदार टिक्का बिरयानी तैयार है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।